थी। मुंबई से सटे ठाणे साइबर क्राइम ब्रांच ने शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड मामले में एक इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने छत्तीसगढ़ से दो और दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ है कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए अपना शिकार ढूंढते थे। ठाणे साइबर क्राइम ब्रांच ने छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर छापा मारकर करीब 771 सिम कार्ड बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए इस इंटरनेशनल गिरोह के अब तक करीब 3000 से भी ज्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल कंबोडिया, चाइना और दुबई में बड़े पैमाने पर किया गया। ये लोग शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों से पैसे लेते थे और पैसा कहीं और ट्रांसफर कर देते थे। दोनों आरोपियों से कुल 771 प्री एक्टिव सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। एक लैपटॉप, दो वाईफाई राउटर, 23 मोबाइल फोन, 50 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 20 चेकबुक और पासबुक भी जब्त की गई है। दोनों आरोपी देश में सिम कार्ड खरीदकर दुबई में बेचा करते थे। रेड करके आफ्ताब डेबर और मनीष कुमार देशमुख, ये जो दो आरोपी जो है ये अरेस्ट किए गए। उसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली से भाईजान अलैस हाफिज अहमद, इनको अरेस्ट किया गया। तो ये तीनों आरोपी जो है ये ऑल अक्रॉस इंडिया जो है सिम कार्ड प्रोवाइड करते थे। इनके पास से अनुमान 800 सिम कार्ड जो है ये एक्टिवेटेड सिम कार्ड जो है ये हस्तगत किए गए हैं। ये सिम कार्ड हफ्ते भर में देश के विभिन्न जगहों पे पहुंच जाते थे और जिनका वापर करके देश भर में लोगों को साइबर फ्रॉड करके ठगा जा सकता था। हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं सर्वेश। पुलिस ने एक बहुत बड़े फ्रॉड का खुलासा किया हम कह सकते हैं, जो कि ट्रेडिंग के नाम पर जो है लालच देते थे मुनाफे का और फिर ठगी करते थे। क्या जानकारी मिल रही है, कैसे इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ? और देखिए अंकिता जी, कोरोना काल को अगर हम याद करें तो कोरोना काल के बाद जिस तरह से भारत देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो आर्थिक जो एक संकट आया था, उसके बाद भारत में कई लोगों ने शेयर मार्केटिंग में इंटरेस्ट जताना शुरू किया था। उसी का फ़ायदा उठाकर ये गैंग प्रॉपर रूप से छत्तीसगढ़ से ऑपरेट कर रहा था। साइबर क्राइम ब्रांच जो थाने की यूनिट है वहाँ पर तकरीबन 16 से अधिक मामले दर्ज हुए थे। जब एक एक कड़ी इसकी तलाशी गई और इसमें ये पता चला कि एक प्रॉपर गैंग है जो शेयर ट्रेडिंग मार्केट के नाम पे लोगों को ठगने का काम कर रहा है, और इस ठगने की पूरी प्रक्रिया जो थी पूरी तरह से वो सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म था, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य सोशल साइट हो, इस पर बाकायदा एक लालच दिया जाता था कि आप अगर इतने इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना 4 गुना मुनाफा होगा। तो लोग मुनाफे के चक्कर में इनके झांसे में आ रहे थे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि इस जिस नेटवर्क को चला रहे थे उस नेटवर्क को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर सिम कार्ड, जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे वो हजारों की संख्या में थे। तकरीबन 2 दर्जन से भी ज़्यादा अधिक मोबाइल को यूज़ कर रहे थे। इनके मोबाइल के जो आईपी एड्रेस थे उनको भी ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। साइबर क्राइम थाने को एक तकरीबन 5 से 6 टीम अपॉइंट करनी पड़ी थी। इस टीम में एक टेक्निकल जो टीम थी वो बड़े पैमाने पे काम कर रही थी, और जब जांच में ये पता चला कि जो भी आईपी एड्रेस है जिन मोबाइल से फोन किया जा रहा है उनके तकरीबन 2600 अलग अलग जो सिम कार्ड तलाशे गए उनमें कुछ मोबाइल के जो आईपी एड्रेस थे वो छत्तीसगढ़ से पाए गए। उसके बाद जब पूरी तरह से लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया, उस लोकेशन को ट्रेस करने के बाद छत्तीसगढ़ में यहाँ की यूनिट गई, वहाँ पर एक जगह पर छापा मारा गया। वहाँ पर आफ्ताब ढेवर और मनीष कुमार दो देशमुख है वो दो लोग अरेस्ट हुए काफी टेक्निकल सामानों के साथ। तकरीबन 3000 सिम कार्ड भी वहाँ पे जब्त किए गए हैं। इसके अलावा एक तीसरा जो आरोपी है दिल्ली से। चलिए, बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है सर्वेश, और वाकई में ये सबक लेने वाली खबर है कि अगर इस तरह के ट्रेडिंग में लोग पैसा लगाते हैं तो उन्हें थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर्वेश जानकारी साझा करने के लिए।